मैं झगड़ नहीं रही तो भूल जाता है। हाँ, पता क्यों रो रही है? रोना कंट्रोल कर रही हूँ। Hey, what's up guys? मैं हूँ रिनमीन। और मैं हूँ अंकी मिश्रा। और अंकिता को देखो, 10-10 की नोटें गिन रही है, फुल ऑन मालदार बाड़ी। बाकी इसके बाद 2000 होती तो मजा आता। वो सब अंदर छुपा के रखी हुई है अंकिता। नहीं, मुझे मेरी चीजें ऑर्गेनाइज पसंद है। सो गाइस, एक मिनट, मुझे आप लोगों से कुछ सजेशन चाहिए, ठीक है? हिरन ऑलवेज ब्लैक पहना रहता है या तो ब्लैक से ग्रे पे जाता है, तो आज मैंने ब्लैक, ब्लू और ग्रे, मतलब उसके ऑलमोस्ट वार्डरोब इसी कलर से भरा हुआ है। एंड मैं चाहती हूँ वो कलरफुल कपड़े पहने, तो प्लीज गाइस उसको आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि नहीं, आपकी कलरफुल लाइफ है, आपको कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। मैं तो नेल पेंट कलरफुल लाइफ है, उसमें कपड़े कलरफुल है, नेल पेंट भी कलरफुल पहनती हूँ। देखो गाइस, व्लॉग शुरू भी नहीं किया मैंने अभी। हाँ ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि जब हम लेंगे नई फिश और उसका नामकरण करेंगे हम, तो हम बनाएंगे ब्लॉग। तो मेरे पे फोन आया कि एक्वेरियम रिपेयर हो चुका है, तो हम एक्वेरियम कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। कलेक्ट करने के साथ साथ हम फिश भी लेंगे, अपनी फिशी नई क्यूटी। यस, तो चलते हैं उसकी तरफ एंड ब्लॉग बनाते हैं। उसका जो सिलेक्ट किया है वही लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में जब भी फिश और एक्वेरियम की बात हुई थी तब मुझे वो फिश दिमाग में 2-3 बार घूमी है, उसकी शक्ल और कलर्स। तो गाइस, फ्लावर हॉर्न लेंगे, जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, आपको यहाँ कहीं पे कार्ड देखने मिल जाएगा। फ्लावर हॉर्न फिश की हर एक बॉडी कलर से लेके बॉडी शेप, हर एक चीज में कुछ ना कुछ मीनिंग है ऑफ लाइफ। लक के हिसाब से स्पेशली हेड डिस्क्राइब्स माउंटेन, तो जितना उसका हेड ग्रो अच्छा होता है उतना उतना आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस एंड सारी चीजें अच्छी ग्रो होती है। इधर ध्यान दे, इधर। हाँ, अरे हाँ, फ्लावर हॉर्न की एक इम्पोर्टेंट चीज, वो अपनी खुद की ब्रीड के साथ भी नहीं रहती है। अगर आप दो फ्लावर हॉर्न एक साथ डाल दोगे तो वो भी एक दूसरे को मार देंगे, तो एक ही रहेगी, अकेले रहेगी, खुश रहेगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अलसो गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात को मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे, एंड इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। हाय अंकिता, तो भाई मुझे गुस्से में क्यों देख रही थी अभी? कुछ नहीं, मैं बोल सच। अरे कुछ नहीं बोली तो बोल बे। मुझे अचानक गुस्से में देखने लगी, पता नहीं मैं कुछ बोल रहा था, बात कर रहा था, पर मुझे यही पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ पे रिएक्शन आया। आज पार्किंग वाला नहीं है, 15 रुपये बचे। कल व्लॉग नहीं कर रहे थे, पर कजिन को लेके एक दुकान में गए ना, तो मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए गाड़ी खड़ी रखता हूँ, अंदर गया, बाहर आ रहा था अंकिता, मतलब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, अंकिता बोल रहा है वो भैया अपने टायर पर कुछ कर रहे हैं। मैं टायर पर कर रहे कुछ देखा मैंने, अंकिता बोले ओए भाग, गाड़ी को लॉक मार रहे हैं, नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी मैंने 2 मिनट के लिए, तो गाड़ी लॉक कर दी और मेमो दिया। और प्लस अच्छा चीज़ ये हुआ कि मेरी रॉन्ग साइड में भी थी, उसका मेमो नहीं फड़ा। तो गाइस आ गया हम यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं। अब कंफ्यूजन ये है गाइस, ये फ्लावर हॉर्न है जो बहुत ही एक्टिव है, जैसा कि आप देख सकते हो, और एक्टिव फिश होनी चाहिए जो इंटरेक्शन में अच्छी हो, देख सकते हो आप, सुपर एक्टिव है। और ये जो मैंने पहले सोची थी, हाँ, इसका रेड कलर ज़्यादा आएगा, इसका ब्लू कलर ज़्यादा आएगा। हाँ, अंकिता ने लास्ट टाइम ये सिलेक्ट की थी और मैंने ये सिलेक्ट की थी, पर अब मुझे ऑल ऑफ अ सडन लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और इंटरएक्टिव है, देख सकते हो आप, इसके कलर्स भी बहुत अमेजिंग है। बस मुझे जैसा पसंद है रेड ज़्यादा है, ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें ब्लू ज़्यादा आएंगे, इसकी आप बॉडी देख सकते हो। ठीक है, अपने ये वाली फाइनल करते हैं। तो गाइस ये फाइनल करते हैं, अब इसका नाम हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी घर पे, जब हम फिश को एक्वेरियम हाउस में रख देंगे उसके बाद आपको नामकरण बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखना कि इसका नाम हमने क्या रखा है। फाइनल है ना? तो क्या पूछ रही थी अंकिता? क्रैब है, क्राउन क्रैब बोलते हैं, इसके बारे में क्या पूछ रही थी? बोला क्या पूछ रही थी? तो बता, नहीं बता ना, नॉलेज ले रही थी तेरे से, तू ऐसा पूछ। हाँ तो वही तो, नॉलेज क्या ले रही थी ये पूछ रहा था मैं। अंकिता एक्चुअली ये पूछ रही थी, बताओ अंकिता पूछ रही थी
कि ये ले लेके ये लोग घूमते हैं तो इसको वजन नहीं लगता होगा। गाइस आपको क्या लगता है, इसको खुद का वजन लगता होगा? ये देखो खुद का घर खुद साथ में लेके घूमते हैं लोग। चलो वो हम उस चेंजिंग टाइम अब इस बैग में ऑक्सीजन फिल करने में आएगा। ये बैग में डालने के बाद कम से कम दो चार घंटा प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? हाँ, सुबह तक। चलो काफ़ी घंटों का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब तक मैं अपना एक्वेरियम घर पे जाके सेट कर सकता हूँ। अगर एक्वेरियम टूटा नहीं होता ना तो डायरेक्टली फिश के लिए सब रेडी रखते डाल देते थे। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिशेज हुआ करती थी। एक बार ऐसा हुआ मेरे पास बहुत सारे फिशेज थे एक्वेरियम में, एक फिश ने एग्स दिए पूरा एक ऑन द टॉप रखा था, बहुत सारे एग्स दिए, पर वो एग्स को बचाने के चक्कर में उसने सारी फिश को मार दी। मदर अग्रेसिव हो गई प्रोटेक्टिव। गाइस हाथ बिजी से तो नहीं ब्लॉक कर पाया, एक्वेरियम को रख दिया अंदर, ढक्कन का लॉक टूट गया है पहले से तो, पर इट्स यूजेबल। फिश को हमने अभी यहाँ पे रखा है, अभी हम यहाँ से चलेंगे। अच्छे से बंद किया है। ए, गाड़ी को जोर से मत पछाड़ा कर। नहीं ओके गाइस, मुझे चाय पिला देना। पिला रहा हूँ, पर तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी? वो टाइम गया आइसक्रीम का, अब चाय का टाइम आया। तो अभी हम अंकिता को पिलाने चलेंगे चाय, एंड उसके बाद घर पे जाके फिशी को उसका नामकरण करेंगे। और तू भूल गया, मैंने देखो आइसक्रीम का कुछ और बोला, तू यहाँ पे आने के लिए भूल गया। मैं जब लुक दे रही थी ना इसलिए दे रही थी। कहाँ पे? मैं नहीं नजर आ रही। बोलना जल्दी। पर मैं दिलाने नहीं वाली हूँ यार। पहले बोल, ए बोल। मेरे को सुन, अभी मेरे को सुन, बोलना यार। व्लॉग चालू व्लॉग में मत झगड़, मैं झगड़ नहीं रही, तो भूल जाता है। हाँ, पर बोलना भूल गया गलती से। मैंने बोला था मेरे को संतुष्टि जाने का था, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं खा पाऊंगी। क्यों नहीं खा पाएगी? वो हैवी हो जाएगा, मुझे भी उस वक्त भूख लगी थी, अब नहीं है। वो एक टाइम होता है जब भूख लगती है, फिर वो टाइम चला जाता है, भूख चली जाती है। आई एम सॉरी, अंकिता की फास्टिंग चल रही है और मैं एक लोकेशन पे जाना भूल गया बोलूं, क्योंकि इसने मुझे बोला अचानक कि इतने बजे तक बंद हो जाएगा, तो मैं भूल गया, सॉरी। अंकिता रो रही है, रोना कंट्रोल कर रही हूँ। गिल्टी मोमेंट। चलते हैं सीधा आपको नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करा। वहाँ पे गाइस अचानक मैंने कट किया, ये लोग बाहर खड़े हो मांग रहे हैं ना, जो हंस रहे हैं, दरवाजा खोल के अंदर घुस गए थे। और वो देखो डांस कर रही है, ये देखो डांस कर रही है। अरे उसे दरवाजा खोल लिया था सच में। चलो हम इसको कुछ खिला देते हैं, देन आते हैं। तेरी मोबाइल गिर गया, तो कुछ भूल नहीं रही है कब से? मास्क ही नहीं पहना मैडम ने। अरे भूल गई थी, मैंने पानी पीने निकाला था, पर भूल गई थी। नहीं तो कहने कब से नहीं पहना था, अपने एक्वेरियम शॉप में गए थे वहाँ पे भी नहीं पहना था। एक्वेरियम शॉप में मैंने नहीं पहना था अंकिता, तूने तो देख लेना वीडियो में, देख मैं वीडियो में मैं दिखाऊंगा, यही बता रहा था तेरे को। गई थी वहाँ पे, आई सब घूमी, सबसे बात किया, और किसी से बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि और इसने मास्क पहना ही नहीं था कॉन्स्टेंटली कहीं पे भी। झूठ बोल रहा है ये लड़का, बताओ वीडियो दिखाओ। देखो दिखा, अगर तूने मास्क नहीं पहना होगा तो बोल की तक शरत 500 की लगी शरत, ठीक है 500 पैसे की शरत। नहीं पहना था, ऐसा नहीं है पहना था, मैं तो मजाक कर रहा था। ले लेना 500 रुपए, ठीक है? हाँ मुँह पे मारूंगा ना आठ खुद के, अभी बोलूंगा अभी ले ले मेरे मुँह पे से। एक और चीज बताऊ मैं आपको, क्या हुआ वो गिल्टी मोमेंट था ना, वो मेरा मूड जा नहीं रहा था, और हमारे बीच में थोड़ा सा वो स्वीट कपल आर्गुमेंट हुआ। और सही में मेरे को नहीं चाहिए यार वो पूरा हीरे। सुनो तो सही, सुनो तो सही गाइस, हुआ क्या, तो इसको जाना था संतुष्टि। संतुष्टि है जहाँ पे सारा नेचुरल जूस वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या मिलता है, मिल्कशेक ठीक से वगैरह मिलता है, जो इसके फास्ट फूड चले वैसा है, जो मैं भूल गया, मेरी बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, मैं कितना बेवकूफ आदमी हूँ। तो मैंने वहाँ पे फोन किया, कितने बजे चालू रहता है, वो बहुत दूर है यहाँ से, मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ लिया,
आपके कोई ब्रांच है क्या? तो उसने बोला सीजी रोड। ओ भाई, दो मिनट का रास्ता सीधा पहुंच गए थे इसको लेके। तो हम चलेंगे संतुष्टि में एंड देन वहां से आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते घर की तरफ। ये रहा संतुष्टि सामने, ये म्यूनसिपल मार्केट में सीजी रोड पे हम, तो यहाँ पे हम जाएंगे। और इसका बहुत ही अच्छा आता है, अंकिता को स्पेशली बहुत पसंद है ना? फास्टिंग में। बाकी अंकिता नहीं आती कभी भी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। नहीं कभी तू आती नहीं है, पर कभी अंकिता सच बोलना। आती नहीं हूँ, बस दिव्यांग के साथ जाती हूँ ना। फरोडा में है ये? ऑफ कोर्स, मुझे नहीं पता था। ये रहा गाइस, तो अंकिता ने लिया रजवाड़ी, मैंने लिया मैंगो। देखा सीधा लेके पहुँच गया, कन्विंस हो गई अपना, वो गिल्ट मोमेंट थोड़ा कम हो गया। अभी भी है 20% के मैसेज मेरे से, ऐसा कैसे हो गया? मैं हूँ थोड़ा सा ऐसा लबाड़ है ना, बहुत बार हो जाता है ना मेरे से ऐसा, और फिर भी ये अपसेट होती है, पता है? अब बहुत बुरी तरह से अपसेट होती है, सिर्फ कैमरे में नहीं दिखा दी। मेरा नेचर ऐसा है ना, ये कहाँ से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है? ओह, तो actually, अभी बन रहे हैं और हम लोग बाहर आ गए। ये देखो मुझे पसीना हो गया। वो लोग अंदर है ना, वाला की क्या कहता है, मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं, एसी नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, ऑन नहीं किया है, नहीं किया। खर्चा ही मतलब उनका पूरे दिन का। अच्छा। ही 1000 हो रही है ओनली, तो बोला। हाँ, उसने वही तो बोला, मतलब। अच्छा, बजट कटिंग, मतलब एसी वगैरह नहीं यूज कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ना आए। गाइस अभी बहुत बैंड बजी हुई है सबके बिजनेस की और बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से हालत चल रही है। अगर आप कहते हो किसी की हेल्प करने के लिए, किसी का बिजनेस को थोड़ा सा ऐसे खुद की तरफ से सपोर्ट करने के लिए, खा के, ऐसा नहीं बोल रहा फ्री के पैसे, खा के भी तो कर लिया अगर सपोर्ट। या डू सपोर्ट। तो ये फाइनली हमारा शेक आ गया है, इसमें से ये है मैंगो मेरा, पर मैं एक मिनट पहले टेस्ट करूं। और ये है अंकिता का। ये क्या है, जरा नाम बोलिए। मैं रजवाड़ी सर, रजवाड़ी। और ये रंगा पहले मैं टेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे बताना कैसा लगा। यम्मी होता है, मैंने सारे। आप भी टेस्ट करके देखना यहाँ का। तो ये वाला जितना खाना खा ले फिर मैं लेता हूँ, ये इसका फास्ट है। मैं भी टेस्ट कर लूँ फिर दुखा। आफ्टर आफ्टर चाय पहला मैं पी रही हूँ कुछ। तो मुझे बता कैसा लगा। एक्चुअली ये फ्रूट्स है ना, ड्राई फ्रूट, तो अच्छा लगा। ओए चीयर्स। शेक वाज सुपर अमेजिंग और मेरा तो इतना हैवी था कि पेट अगेन ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं खा के भी कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। yes. क्योंकि लॉकडाउन का टाइम हो रहा है 8 बजे का यहाँ पे, तो लॉकडाउन का कर्फ्यू, मतलब कर्फ्यू टाइम हो रहा है, उससे पहले घर पहुँचना है। और हमेशा ऐसा होता है कर्फ्यू टाइम से 1 घंटे पहले से मम्मी को ऐसी चिंता होती है कि मैं घर पे नहीं पहुँच पाऊँगा टाइम पे, तो जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। कॉन्स्टेंटली मम्मी का अब तक ऑलरेडी 3 कॉल आ चुके हैं। अभी हम जाएंगे बाग बकरी लॉज, अंकिता को चाय पीने। निकल गया इसलिए बोले क्योंकि आग बकरी लॉज पीछे चला गया। अंकिता बहुत गिल्टी, मैं वापस ले रहा हूँ। ना कर मेरे को परेशान। गाइस घर पे मिलते सीधा, होम करण और नाम करण दोनों के लिए। ओके गाइस, तो ढक्कन हटाते हैं साइड में क्योंकि टूटा हुआ है। बहुत लेट हो गया है, ऑलमोस्ट रात के 11:30 बजने वाली है। मैं चैन पर उसी को वहाँ पर अंदर रख दिया है, बस वो लोग फिश का अटैक ना करें। हाँ गाइस, अब मैं रिकॉर्ड करूँगी ये है, क्योंकि अंकिता को ये फायदा नहीं, अंकिता मुझे रिकॉर्ड करेगी। चैंप नो। तो गाइस फाइनली फिश बैग ओपन हो गई है, अब हम इसको डालेंगे इसके नए घर में। हाँ, टैंक ओवरफ्लो हो गया। तो हम लोगों ने इस तरह से मेजर किया था एग्जैक्ट का, और इसका पानी भी डाल करके थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया टैंक, पर कोई नहीं, क्लीन कर लेंगे। तो गाइस अभी रात का टाइम है, इसके कलर्स आपको इतने अच्छे से दिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो अंकिता पानी कम कर रही है। हिरन ऑलवेज की तरह, जैसे इन दोनों का था, हम लोग इसको तो
पकड़ के नहीं बोल सकता कि खुद का नाम करे, पर हिरण ने एक अमेजिंग और क्यूट वाला नाम रखा है, नाखा है जो है क्यूपिड। अब स्टूपिड मत समझना, क्यूपिड, क्योंकि हिरण ने जब क्यूपिड बोला था ना तो मुझे स्टूपिड सुनाई दिया। हाँ, मैंने बोला इसका नाम है क्यूपिड, स्टूपिड ऐसा नाम क्यों लग रहा है, क्यूपिड लो, क्यूपिड बहुत क्यूट नाम है, तो मैंने क्यूपिड नाम रखा है इसका। एंड कभी ना कभी व्लॉग में आप उसको देखते रहोगे, इसकी ग्रोथ वगैरह भी। एंड बिकॉज ये फ्लावर फॉन है तो इसका हम बेस्ट फूड देते हैं जो कि है हम्पी हेड। नहीं, वो तो उसकी मेडिसिन वगैरह है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं सारी चीज़ें रखता हूँ, फिश की भी ऑन सेफ साइड। अब इधर है तो गाइस आप बताना नाम कैसा लगा, एंड प्लस आपको फिशी कैसी लगी हमारी न्यूली। एंड सीरियसली अब इसको डाला ना तो मुझे इसके पहले वाली फिश याद आ रही है जिसके साथ बहुत कनेक्शन हो गया था इतने सालों में। एनीवेज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, ऐसे करें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल्सो लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं आज रात को, है ना, अंकिता को भी सब्सक्राइब कर ले जाके, बाय। एंड ब्लॉग चैनल को तो सब्सक्राइब ठोको, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। यस, ऐसा फ्लॉग, बाय।